सीधी विधायक को अब लेना चाहिए संन्यास मंत्रिमंडल में। मैं उनकी लगातार हो रही उपेक्षा यह कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कन्हैया सिंह चौहान का, जिन्होंने कहा कि विधायक को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, मंत्री बनते तो विकास होता। उन्होंने कहा कि भाजपा में रहकर कब तक घुट घुट कर पार्टी की सेवा करेंगे। हमारा तो यह कहना है कि उन्हें संन्यास लेने की जरूरत है, शीर्ष नेता उनका तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ऐसे में उनका कोई वजूद नहीं है। प्रवासी विधायकों को लेकर भी तंज करते हुए कन्हैया सिंह ने कहा कि हम तो सुनते थे कि पहले चिड़िया को प्रवासी माना जाता था, जो दूसरे प्रदेश में जाती थी, आज भाजपा प्रवासी बना दिए, वह देने नहीं बल्कि लेने के लिए आए थे। आगे उन्होंने क्या कहा सुनी जगन्नाथ द्विवेदी साथ पूरी बातचीत। कई चेहरे भी आ रहे हैं, भाजपा के कई प्रवासी भी आए हैं, 5-7 दिन तो प्रवासी आए हैं यूपी से, क्या कहेंगे? प्रवासी ही चुनाव जिता पाएंगे? अब प्रवासी तो हम साहब ये सब सुनते थे कि ठंड के टाइम में विदेश से जो चिड़िया आती है उनको प्रवासी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात। उनको जब दाना चारा वहाँ नहीं मिलता था तो वो इंडिया आती थी, यहाँ के तालाब में आती थी, चाहे ठंडी की समस्या हो चाहे जो भी हो। अब प्रवासियों का स्वागत तो भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से किया है, लेकिन प्रवासी कुछ दे के नहीं जाएंगे बल्कि यहाँ से ले के गए होंगे, और उनका सम्मान और स्वागत ऐसे समय में यहाँ नहीं होगा। पर यहाँ आते अगर प्रवासी के आने से अगर सीधी विधानसभा या सीधी जिले के किसी विधायक को मंत्री बनाया जाता, राजेंद्र शुक्ला जैसे, सम्मानी राजेंद्र शुक्ला जैसे, पंडित केदारनाथ शुक्ला को अगर मंत्री बना दिए होते प्रवासी लोग, तब उनका सम्मान बढ़ता। ये बड़ी बात, केदारनाथ शुक्ला जी को मंत्री न बनाने के मलाल भाजपा में के कम लोगों में है, लेकिन कांग्रेस को ज़्यादा खल रही है, क्या कहेंगे आप? जैसे कांग्रेस को नहीं खल रही है, कांग्रेस आप ही बोले कि उनको मंत्री बनाया जाता। कांग्रेस का जो विकास का दौर था वो रुक गया, 15 साल से यहाँ मंत्री कोई नहीं बना। जब कांग्रेस मंत्री बनाती थी यहाँ 2 मंत्री बनते थे, इंद्रजीत कुमार जी मंत्री थे तो राहुल भैया भी मंत्री होते थे, जब कमलेश्वर द्विवेदी होते थे तो बंशबैंड वर्मा भी होते थे जी, अर्जुन सिंह जी यहाँ के CM होते थे। तो आप इसकी कल्पना करिए ना भाई, हम लोगों ने ठीक है कांग्रेसियों ने वोट केदार पंडित जी को नहीं दिया, जन समर्थन तो उनके साथ था ना, ये जिला तो उनके साथ था। आज जिस तरह से केदारनाथ शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया, तो मैं ये प्रश्न करता हूँ केदारनाथ शुक्ला जैसे नेता क्या सीधी में फिर से भारतीय जनता पार्टी में पैदा होंगे? और केदारनाथ शुक्ला को क्यों नहीं बनाया गया मंत्री? मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है केदारनाथ शुक्ला को अगर मंत्री बनाया जाता तो हो सकता है मुख्यमंत्री। आपने जीवन का वह संघर्ष जी देखे हैं जब राजनीति क्षेत्र में जूतम पजार की स्थिति नहीं होती थी, एक भाषा होती थी पक्ष विपक्ष की, कोई संयम का एक मर्यादा रहती थी। आज की राजनीति में और पहले की राजनीति में बहुत बदलाव हो गया, क्या मानेंगे? हाँ, परिस्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदल गई हैं। पहले एक सद्भाव की राजनीति होती थी, देश को बचाकर, जिला प्रदेश को बचाकर लोग राजनीति करते थे, अब थोड़ा सा अलग तरह की राजनीति हो गई है, ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए, अच्छा नहीं है। आप उलझे हुए नेता और वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, कहीं न कहीं ये आपको भी कष्ट होगा, इस तरह की राजनीति हमने अपने जीवन में नहीं देखा है। हाँ, इस तरह की राजनीति की उम्मीद नहीं थी। हालांकि थोड़ा सा परिवर्तन आया इसलिए है कि जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीति में जो संघर्ष करते थे, सेवा का भाव लेके आते थे। एक जमाना था अटल जी और कुमार अर्जुन सिंह जी, जी स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी, इनकी भाषा किसी विपक्षी नेता पर इस तरह नहीं होती थी कि सीधे प्रहार करते। आज की राजनीति बदल गई। हाँ, आज की राजनीति बदल गई,
जो अपने विपक्ष के नेता को जो कहते भी थे, कुंवर साहब जैसे कुछ कहते थे, अटल जी को एक बार उन्होंने कहा पूजा पार्क के, उसमें चुनाव आने वाला था, कुंवर अर्जुन सिंह जी ने कहा अटल जी को कि अटल जी बहुत अच्छे नेता हैं, देश में नहीं पूरी दुनिया में लोग उनका सम्मान करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि उनकी चलती नहीं है। एक बड़ा बिल व्यक्ति है, मुख्यमंत्री का दावा केदारनाथ सूरा छोड़ सकते थे, है ना, लेकिन अब केदारनाथ पंडित जी को अब संन्यास लेना चाहिए। और जिस तरह की उथली बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कि संन्यास लेना चाहिए, या उनको मंत्री चौथे बार भी नहीं बना पाए, तो अब संन्यास लेना चाहिए। तीसरा लास्ट सवाल है जी, ये प्रदेश आज मुख्यमंत्री इतना डरे हुए हैं कि पूरा खजाना खाली कर रहे हैं, इतनी घोषणाएं कर रहे हैं कि लगता है कि पूरा प्रदेश कंगाल की स्थिति में आ जाएगा, क्या कहेंगे, क्यों डरे हैं आप साहब? देखिए, वो पूरी तरह से ये जान चुके हैं कि उनको अब से ये गद्दी खाली करनी पड़ेगी, अब वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े पदों में हैं वो पद छोड़ना ही चाहते, उनको पद का लालच, खजाना खाली। मैंने राजस्थान में देखा था वसुंधरा राजे को, वो जब हाईकमान उनका चाहता था तो उन्होंने पद नहीं खाली किया, जब मध्य प्रदेश में शिवराज को हटाना चाहते थे तब शिवराज नहीं हट रहे हैं, मतलब इतनी जबरदस्ती, इतनी महत्वाकांक्षा, और खजाना खाली कर रहे हैं। एक बुद्धिजीवी से लेकर गरीब से गरीब आदमी ये समझता है कि आज अचानक 450 रुपए में क्यों दे रहे हैं गैस, और वो भी सावन के महीने, तीन दिन के लिए। दूसरा एक बड़ा सवाल है, मूत्रकांड जिसमें भाजपा ताल ठोकर कहती है कि हर गरीबों को आवास दे रहे हैं, हर घरों में पानी पहुंच रहा है, लेकिन कुबरी क्षेत्र में जो मूत्रकांड हुआ भाजपा के करीबी के लोगों द्वारा किया गया, उससे क्यों नहीं मिला है आवास, क्यों नहीं मिला था इसके पहले, उसके यहाँ पानी की दिक्कत थी, उसके पहले क्यों नहीं मिला? मूत्रकांड के बाद जब मुख्यमंत्री ने बुलाया, इसके बाद आवास मिला, उसके बाद हैंडपम्प लगा, उसके बाद सड़क बनी, इस तरह की सड़कें और इस तरह की आवास की लगभग 70% जो अपात्र हैं उनको मिला है, जो भाजपा के नेता माने जाते हैं, बाकी गरीबों को आज नहीं, उसको पहले भी मिल जाना चाहिए ना। देखिए साहब, जो कांड होते हैं